क्या गाइस आपको बियर्ड विनर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको आप सही वीडियो पे क्लिक करेंगे। चलिए आज भी आपको बताने वाले कैसे आप अच्छे से अच्छा बियर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाले, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाले, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करके एकदम लास्ट तक देखना, ताकि आपको एकदम स्मॉल से स्मॉल बियर्ड बनाना आ जाएगा। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, चालू करते हैं। और ये जो वीडियो है ना, थोड़ा सा लाइक, इस वीडियो बनाने बहुत ज्यादा मेहनत करते, छोटे से छोटे पार्ट को भी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करते, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए तो क्या करेगा दोस्त, सब्सक्राइब मार दो, सब्सक्राइब वाला बटन को फोड़ दो, थप्पड़ मार के एकदम छठे मरते जो भी करने परेशान कर दो, उसको सब्सक्राइब करने पड़ेगा। और जितने उसे वीडियो को इधर पर रॉकेट की तरह शेयर कर दो, दिखा दो अपना दम। तो चलिए बिना किसी बकबकाते कि हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। गाइस इधर पर मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग के लिए एक फ्लैट ब्रश, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसके अलावा मैं यूज़ कर रहा हूँ एक बी पेंसिल, अगर ये आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप एच बी पेंसिल से भी काम जो है चला सकते हैं। इसके अलावा आपको जो जो पेंसिल चाहिए वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और चाहिए एक एच बी पेंसिल और एक पेंसिल एक्सटेंडर, ये मेरे से पेंसिल छोटा होने से ठीक करने के लिए, और एक मैकेनिकल पेंसिल। अगर ये मैकेनिकल पेंसिल आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी पेंसिल से काम चला सकते हैं। ये है 0.5 mm का 2B इसमें लीड है, तो इससे भी आप काम चला सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल पेंसिल को शार्प करके भी इसका जो मतलब काम है वो कर सकते हैं। ऐसा कि नहीं आपको यही चाहिए, और चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लेंडिंग स्टम, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब शेडिंग को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए। अगर इसमें ब्रश और ब्लेंडिंग स्टम में दोनों के बीच में जो भी है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी अभी आपको मैं आप इधर पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि आप कैसे करके इजीली शॉर्ट बियर्ड जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको करना क्या पड़ेगा, एक एच बी पेंसिल लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ एकदम डिसाइड कर लेना पड़ेगा कैसे करके आप शेडिंग करना चाहते हैं। उसके बाद आपको मैं एकदम लाइट प्रेशर के साथ मैं शेडिंग कर रहा हूँ अभी। ये जो शेडिंग है आपको बहुत ज़्यादा लाइट प्रेशर के यूज़ करके करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रेशर यूज़ करेंगे तो आपका जो डार्क वैल्यूज है वो ज़्यादा हो जाएगा, आपका जो ड्राइंग है उसके मुताबिक आप मतलब शेडिंग को करना, बिकॉज मैं इधर तो बियर्ड कैसा भी हो सकता है और ड्राइंग भी आपका कैसा भी हो सकता है। आपका ड्राइंग ज़्यादा ही डार्क हो सकता है या आपका ड्राइंग बहुत ज़्यादा लाइट भी हो सकता है, तो वो आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा। इधर पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद आपको ब्लेंडिंग स्टम से एकदम स्मूथली ब्लेंडिंग कर देना पड़ेगा, एकदम स्मूथली। और एक बात, ब्लेंडिंग के टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रेशर का यूज़ मत करना, बहुत कम प्रेशर का यूज़ करना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ बहुत कम प्रेशर करना, ताकि जो ग्राफाइट हो एकदम से जो पेपर के ऊपर है वो जो एक बार से जब ऑफ ना हो पाए, इसके लिए एक बार में मत करना। इसके बाद जो ब्रश है उसके जो डस्ट है ग्राफाइट मतलब ऊपर ऊपर जो है उस ग्राफाइट को हटाने के लिए मैं इधर का ब्रश का यूज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा ये जो एच बी पेंसिल है इसे मार्क कर रहा हूँ, मैं कितना तक बियर्ड को बनाऊंगा, तो इसके हिसाब से मैं इसको कर रहा हूँ। अगर आपके पास एच बी पेंसिल है तो आप आपके पास बी पेंसिल नहीं है तो आप बी पेंसिल के बदल में आप एच बी पेंसिल को चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बी पेंसिल है तो आप बी पेंसिल से भी काम चला सकते हैं। उस ये दोनों में कुछ उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप दोनों से ही काम चला सकते हैं। और जो दोनों चीज़ें एक है टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर, ये भी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, और ये आप कैसे करके बना सकते हो वो भी मैं दे दूंगा। और ये है 4B पेंसिल, ये है और एक दिखा है वो है 4B पेंसिल। अभी मैं बी पेंसिल का हेल्प से ये जो बियर्ड है उसका जो स्ट्रोक है एकदम धीरे धीरे लगा रहा हूँ। और ये जो काम है ना बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा धीरे 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 इसको करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा हड़बड़ी करेंगे तो ड्रॉइंग जो है आपका ख़राब हो सकता है।
इधर मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया हूँ ताकि आप बोरिंग ना हो, और इसके अलावा भी आपको उतना ज्यादा काम नहीं, इधर पर आपको डार्क से लेकर लाइट तक जाना पड़ेगा, यही काम है, मैं थोड़ा सा इधर पर फास्ट कर दिया इसीलिए। और इसके बाद आपको जो ब्रश है उस ब्रश के यूज हेल्प से उसको जो है ब्लेंडिंग कर देना पड़ेगा, या उसको जो ग्राफाइट हो मतलब हाथ से, इधर पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश से, इधर पर बहुत संभाल के ब्लेंड करना, और इधर पर भूल कर भी ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज मत करना ताकि ये जो है ये बहुत ज्यादा डार्क होता है और आपको हाईलाइट देने में बाद में प्रॉब्लम होगा। इसके बाद ये जो मैकेनिकल पेंसिल है या आपके पास जो भी 2B पेंसिल है, जब मैं मैकेनिकल पेंसिल के अंदर मैं 2B का लीड यूज कर रहा हूँ, और इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से देना पड़ेगा। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आपको जो 2B पेंसिल है उसको अच्छे तरीके से शार्प करके आप वो जो है काम को चला सकते। तो इधर पर मैं धीरे धीरे स्ट्रोक जो है वो लगा रहा हूँ अभी। ये जो मैकेनिकल का काम जो है मेरा खत्म हो चुका है, अभी इसके बाद ये जो ब्लेंडिंग के ब्रश है उससे मैं ब्लेंडिंग जो है कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा जो 4B पेंसिल है उससे जो डार्क पहलू है उसको ऑप्ट कर लो, मैं धीरे धीरे इस काम को भी करके फिर आपसे बात करता हूँ। बाद आपको जो है ब्लेंडिंग का जो ब्रश है उसके ब्रश के हेल्प से जो ग्राफाइट है उसको जो है उठा लेना पड़ेगा। अभी जो हमारा जो डार्क बियर्ड है वो भी कॉम्प्लीट है। अगर आप देख रहे हैं आपके जो बियर्ड है उसमें अगर व्हाइट कलर का हाईलाइट है तो आप इधर पर टॉम्बो मोनो 000 का यूज कर सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है, ये कैसे करके बनाते हैं उसका ट्यूटोरियल चाहते हैं तो मैं कुछ दिन बाद ही उसका जो ट्यूटोरियल है मैं अपलोड कर दूंगा, या आप कमेंट भी कर सकते हैं कभी मैं अपलोड करूं अभी या कुछ देर बाद। इसके बाद जो टॉम्बो मोनो 000 है जो बताया उससे हाईलाइट कर देने के बाद हमारा जो हाईलाइट का जो पोर्शन है वो हो चुका है कम्प्लीट। देख सकते हैं हमारा जो हाईलाइट है वो हो चुका है एकदम बिल्कुल कंप्लीट। इसके बाद फिर से मैं थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर दे रहा हूँ ब्रश के हेल्प से। अभी आपका मान लीजिए अगर आपका बियर्ड जो है इससे भी और भी ज़्यादा छोटा है तब आप क्या करोगे, तब आपको बोलेंगे तमाल तो ये सिखाया नहीं, तो उसके लिए मेरे दोस्त कोई भी टेंशन नहीं, इसको भी मैं सिखा दूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है मतलब सेम ट्रिक है, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी रहेगी, बट आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस का ज़रूरत है। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक मतलब इधर पर जो ये जो देख रहे हैं जो इधर पर ही मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादातर नहीं कर रहा हूँ। इधर पर मैं यूज़ करूँगा वही पेंसिल मैकेनिकल पेंसिल 0.5 mm का 2B का लीड। इधर पर मैं थोड़ा सा छोटा छोटा ड्रॉट करके जो बियर्ड है उसको बनाऊँगा, बस और कुछ भी नहीं है इसमें, और ये आप सभी कर सकते हैं। तो इसके बताने वाला बात तो मुझे लगता ही नहीं आया है। तो धीरे 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 जैसे जैसे स्ट्रोक है वैसे वैसे करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा डार्क है उधर पर आप 4B का पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपके फोटो के अकॉर्डिंग आप ड्राइंग जो है बना सकते हैं। इसमें मेरा भी कोई बात नहीं है, आपका भी कोई बात नहीं है। ऐसा हो जाता है एक स्मॉल बियर्ड, और ये जो है मुस्तफी का जो रहता है उस मुस्तफी का बियर्ड रहता है, और ये जो है मतलब आपका जो मतलब गाल होता है उसका बियर्ड, तो यही होता है दोनों बियर्ड। हाँ, अगर इस वीडियो आपको इतना से भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा हमारा दोस्त हमारा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियो इस पे जो है एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जितना हो सके लाइक कीजिए, मतलब वीडियो पे बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए। एंड आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, एंड मैं आपसे मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।